इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट, यदि मैं बोलूं दोनों ही चीजें एक जैसी हैं, दोनों का ही काम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का है, बट अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में, जिसे हम ग्लोबल नेटवर्क बोलते हैं, जिसमें हमें ये तो मालूम है कि भाई इंटरनेट की हेल्प से कोई भी सिस्टम वर्ल्ड के किसी भी एरिया में कहीं भी रखा हुआ हो, वो आसानी से कनेक्ट हो सकता है हमसे, तो वो एक तरीके से इंटरनेट कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, इट इज अ ग्रुप ऑफ लैंड मैन और वैन। जो इंटरनेट है वो लैंड मैन और वैन सभी का एक तरीके का तरीके से यदि बोला जाए तो ग्रुप है, विच क्रिएट कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर, जिसके द्वारा हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। By which we are able to send or receive information, data like audio, video, etc. in any part of the world, जिसके द्वारा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसके द्वारा हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी को भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब वो जानकारी ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, प्लेन टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई वेब फाइल हो सकती है, वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से कौन सी जानकारी भेज रहे हैं। For sending or receiving information in any part of the world, it use one of them from wired or wireless connection. In internet, data will travel using fiber optical cables. यदि आप जानकारी भेज रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, तो उसके लिए एक तरह से आपके पास कनेक्शन होना चाहिए। अब वो कनेक्शन हो सकता है वायर्ड हो सकता है वायरलेस हो, दोनों में से कोई भी कनेक्शन आपके सिस्टम के पास होना चाहिए, बट आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में रखिए किसी भी सिस्टम पर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी भेज सकते हो। अब इंटरनेट के माध्यम से यदि डेटा ट्रांसफर होता है, ट्रेवल होता है, तो वो फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू होता है। तो हम ये कह सकते हैं इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से जोड़ के रखता है। इसे हम इसीलिए ही ग्लोबल नेटवर्क बोलते हैं, जिसके द्वारा हम वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आसानी से भेज सकते हैं। अब बात आती है इंट्रानेट। इंट्रानेट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का एक भाग है इंट्रानेट। तो आप जानते हैं जो इंटरनेट है वो एक तरीके ग्लोबल नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क का एक पार्ट, एक छोटा सा भाग इंटरनेट कहलाता है, विच इज यूज पर्सनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और फर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेस होता है, उनका एक खुद का इंटरनेट कनेक्शन रहता है, तो वो जो कनेक्शन एक कंपनी, एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए पर्सनली यूज करता है, उस कनेक्शन को इंटरनेट कनेक्शन बोला जाता है। इंटरनेट कनेक्शन विल बी क्रिएटेड यूजिंग लैंड मैन और वैन विच क्रिएट नेटवर्क ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स बाय विच वी आर एबल टू सेंड और रिसीव फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े से बड़े बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में जानकारियों को भेजा जाता है, प्राप्त किया जाता है, फाइल्स को भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है। तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि उनके बिजनेस के सभी कंप्यूटर्स, उनके बिजनेस के सभी सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसके द्वारा कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय जानकारी को भेज पाता है, रिसीव कर पाता है, क्योंकि उनके पास कौन सा कनेक्शन होता है? इंटरनेट कनेक्शन होता है। और वो कनेक्शन हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क को, हो सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को, हो सकता है वाइड एरिया नेटवर्क को। तो वो उनके ऊपर है कि वो किस तरीके का इंटरनेट कनेक्शन अपने पास रखते हैं। Many corporation और government agencies and universities have their own internet. जैसा कि आप जानते हैं, बड़े बड़े जो corporations होते हैं, institutions होते हैं, government agencies होती हैं, businesses होते हैं, उनके पास खुद का internet connection होता है। If anyone want to connect to internet, यदि हम जैसा कोई भी आम बंदा उस internet से connect होना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ता है? Firewall से connection लेना पड़ता है। An organization internet is developed by its own staff and run internally by which information that organization will be safe and secure. इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि उस बिजनेस के पास, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद का इंटरनेट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके बिजनेस एम्प्लॉयज ही उसे एक्सेस कर पाते हैं, जिससे कि उस इंटरनेट पर रखी गई जानकारी पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर होती है।
तो दोनों में यही अंतर होता है, जो इंटरनेट है उस पर जो जानकारी रखी हुई है वो एक तरीके से सेफ और सिक्योर नहीं है, बट जो इंट्रानेट है उसमें रखी गई जानकारी वो किसी की पर्सनल जानकारी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, और उसे सिर्फ और सिर्फ उनका स्टाफ ही एक्सेस कर सकता है और उनकी वो जानकारी पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये वो कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि एयरटेल, जियो, BSNL, VSNL, तो ये सब कौन है? ये सारी कंपनीज आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये सभी के सभी ISP कहलाती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जो हमें इंटरनेट सर्विस देती हैं, उसे ISP बोला जाता है। ISP इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड अस एन इंटरनेट सर्विस, जो हमें एक ISP एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड अस वेरियस इंटरनेट सर्विस, लाइक ये हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की इंटरनेट सर्विस देती है, जैसे इंटरनेट एक्सेस ताकि हम हमारे सिस्टम से इंटरनेट को एक्सेस कर पाए, इंटरनेट ट्रांजिट, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग। तो ये सारी की सारी सर्विस हमें कौन प्रोवाइड करता है? ISP। ISP यूज वेरियस टेक्नोलॉजीज लाइक कंप्यूटर मोडेम, टेलीफोन लाइन, टेलीविजन लाइन, वाईफाई, इथरनेट, फाइबर ऑप्टिकल केबल एक्सेट्रा फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस। जो ISP है हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? ऑफकोर्स इंटरनेट। तो वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके की जो टेक्नोलॉजीज का यूज करती है, जैसे कंप्यूटर हो गया, मॉडेम हो गया, टेलीफोन लाइन, टेलीविजन लाइन, वाईफाई, इथरनेट, फाइबर ऑप्टिकल केबल एक्सेट्रा फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस। ISP यूज टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड। यस, ISP सबके लिए मॉडेम यूज नहीं करती, सबके लिए टेलीफोन लाइन यूज नहीं करती है, वो जो टेक्नोलॉजी का यूज करती है अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। कस्टमर की जैसी डिमांड होती है वो उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे प्रोवाइड करती है क्या? इंटरनेट। ISP यूज टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, लाइक स्मॉल बिजनेस दे यूज कॉपर वायर केबल मॉडेम बाय विच डायलअप कनेक्शन क्रिएटेड। जैसे जो छोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए वो कॉपर वायर केबल मॉडेम का यूज करके डायलअप कनेक्शन प्रोवाइड करती है, और जो बड़े बिजनेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको हाई स्पीड इंटरनेट की यूज होती है, तो वो ईथरनेट, मेट्रोपॉलिटन इंटरनेट, इन सब का यूज करके उन्हें कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब यदि हम देखें तो ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं? सबसे पहले आपकी एयरटेल हो गई, BSNL, VSNL, वोडाफोन, भारती, और जियो हो गया आपका। तो इस तरीके की जो जो कंपनीज हैं आपको जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं वो सभी के सभी ISP कहलाती हैं। ISP वो कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है।